हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ ये बात, ये ट्रिक आपको आज तक ले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही आपको पता होगा। सो दोस्तों, अगर ये ट्रिक अगर आप सीख जाते हैं तो आप एकदम कन्फर्म है, 100% श्योर है कि आप तत्काल टिकट बुक करना भूल जाओगे, क्योंकि इस ट्रिक से आपको तत्काल टिकट नहीं बल्कि आप नॉर्मल टिकट एक दिन पहले बुकिंग करके अपना सीट कन्फर्म करवा सकते हैं। सो दोस्तों, मतलब इस तरह का मैं एक वीडियो और ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सेम उसमें मैं यही बोला हूँ कि आप GNWL या PQWL या RLWL कोई भी वेटिंग लिस्ट टिकट एक दिन पहले बुकिंग करके आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग करने का ट्रिक थोड़ा कुछ अलग होता है, ठीक है। तो आप भी जिस स्टेशन से जिस स्टेशन पर जाना चाहते हैं उस स्टेशन से कुछ दूरी पर, मतलब कोई बड़ा स्टेशन तक आपको एक टिकट बुक करना है, वो पहले या बाद, ठीक है। तो जैसे कि ये बात, ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक लाइव टिकट बुकिंग करके मतलब बुक किया हूँ, उसको मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं एनी टाइम इसी हिसाब से वेटिंग टिकट अपना कन्फर्म करवाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक टिकट का PDF है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, कानपुर सेंट्रल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए PDF में कानपुर सेंट्रल से मैं टिकट बुक किया हूँ, 24 तारीख को जर्नी डेट है, ठीक है। लेकिन इसका बोर्डिंग एड देखिए, इसका बनारसी जंक्शन है, मतलब पैसेंजर्स जो है बनारस जंक्शन से वो मतलब उठेंगे इस ट्रेन में, ठीक है। और ये ट्रेन का नाम आप देख पा रहे हैं कि AGC कोवा एक्सप्रेस, मतलब ये जो ट्रेन है ये आगरा कैंट से आती है और हावड़ा कलकत्ता के लिए जाती है, ठीक है। ये देखिए, और इसका टाइमिंग देखिए, मैं 3rd AC में बुक किया हूँ, 23 जून 2023 11:10:46, मतलब ये है कि मैं 23 तारीख को इस गाड़ी में मैं तत्काल टिकट बुक कर रहा था, 3rd AC में 10 बजे नहीं हुआ तो मैं स्लीपर का वेट कर रहा था, स्लीपर भी मैं 11 बजे ट्राई किया बट इस ट्रेन में टिकट बुक नहीं हुआ। लास्ट में मेरे को अपना दिमाग लगाना पड़ा, लास्ट में आप खुद देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, कानपुर सेंट्रल से देखिए कलकत्ता तक टिकट बुक किया हूँ, बनारस जंक्शन, इसका बोर्डिंग पॉइंट दे दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी जिस स्टेशन से टिकट बुक करते हैं, अगर उस स्टेशन पर कोई लॉन्ग रूट की कोई गाड़ी आने वाली है, आप अगर उसमें टिकट बुक करते हैं, मतलब कुछ दूर से कोई बड़ा स्टेशन से अगर आप टिकट बुक करते हैं और अपना बोर्डिंग पॉइंट, आप अपना जो स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं आप वो दे दीजिए, आपको 100% टिकट कन्फर्म होगा, ना अगर कोई सवाल नहीं। आप देखिए इसमें वेटिंग लिस्ट मेरा क्या था, 27, 28, 29, 30, ये मेरा वेटिंग लिस्ट था जो कि कन्फर्म हो चुका है। यार इस ट्रेन का जो टाइमिंग है, मैं आपको, चलिए अब आप, मैं दिखा देता हूँ IRCTC सीरियल कनेक्ट ऐप ओपन करके, ठीक है। तो मैं IRCTC ऐप ओपन कर लिया हूँ। अगर मैं बनारस से टिकट बुक करता हूँ, जैसे कि आज 24 तारीख है, देख लीजिए आप मोबाइल में मेरा, देख लीजिए, देखिए 24 तारीख है, आज ही डेट में टिकट हुआ है, लेकिन मैं कल टिकट बुक किया था, 9:19 हो रहा है, अभी तक इस गाड़ी का चार्ट भी नहीं लगा है लेकिन मेरे को सीट कन्फर्म हो चुका है, मतलब ट्रेन का चार्ट बनने से पहले मेरा सीट कंफर्म हो चुका है, ठीक है। आप भी इसी तरह से अपना टिकट कंफर्म करवा सकते हैं चार्ट बनने से पहले। जैसे कि देखिए, इसी ट्रेन में मैं टिकट बुक करवाया था, AGC कोलकाता एक्सप्रेस, मैं आपको PDF में दिखाया था। ये देखिए 3rd AC में मैं बुक किया, 3rd AC में मैं क्लिक किया, इस ट्रेन में अभी भी आपको टिकट देखिए इसमें दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट 18, 24 जून, मतलब अभी भी इसमें टिकट मिल रहा है वेटिंग लिस्ट, लेकिन चार्ट नहीं लगा है। देखिए अब मेरा सीट कंफर्म हो चुका है बनारस से पहले ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टिकट कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि बात यह है कि ये स्टेशन पर इसलिए कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें RLWL 18 वेटिंग लिस्ट चल रहा है। अधिकतर लोग तो यहाँ से बोर्डिंग पॉइंट डाल के अपना सीट पहले ही कंफर्म करवा चुके हैं, ठीक है, इसीलिए। और इसका मैं आपको माई बुकिंग में जाकर, जैसे कि माई ट्रांजेक्शन में जाके माई बुकिंग दिखा देता हूँ। माई बुकिंग में जैसे ही आप देखिएगा कि ये जो AGC कोलकाता एक्सप्रेस पर मैं क्लिक कर लिया, क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं, देखिए पहले AGC कोलकाता एक्सप्रेस, देखिए बुकिंग ऑन 23 जून, ये देखिए 23 जून दिखा रहा है ना, 23 जून 2023, ये देखिए AGC कोलकाता एक्सप्रेस 23 जून, 24 जून के लिए मैं बुक किया हूँ एक दिन पहले। एक दिन पहले सभी लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल टिकट बुक करता हूँ, ये देखिए। और ये नहीं कि मैं, ये पहला वीडियो, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सपीरियंस कोई आपको शेयर नहीं करेगा, मैं आपको 100% बता देता हूँ, ये तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो आपको ट्रेन में सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप
पक्का है कि सफ़र करिएगा। कोई तत्काल वत्काल के पीछे भागने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद से आप पर्सनली अपना टिकट बुकिंग करके कन्फर्म करवा सकते हैं। कोई एचओ कोटा इमरजेंसी कोटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको यही फॉलो करना पड़ेगा कि जिस स्टेशन पर आप टिकट बुक कर रहे हैं। बार बार मैं आपसे बता देता हूँ, आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान के चलिए एग्जाम्पल में बता दिया कि जैसे बनारस से मेरे को उठना था, अब मेरे को हावड़ा या कलकत्ता जाना था, तो बनारस में एक यही गाड़ी जो थी, ये वीकली गाड़ी है, यही एक गाड़ी थी जो लॉन्ग रूट से आ रही थी, ठीक है, यही गाड़ी थी जो लॉन्ग रूट से आ रही थी। और आपको वेटिंग लिस्ट भी देखना है कि वेटिंग लिस्ट भी थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं। और आप कोशिश करिएगा कि GNWL बुकिंग करके RLWL में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए मैं जो टिकट बुक किया हूँ, ये आप देखिए कानपुर सेंट्रल से मैं टिकट बुक किया हूँ, देखिए कानपुर सेंट्रल यहाँ पे शो हो रहा है, कानपुर सेंट्रल से मैं टिकट बुक किया हूँ, और पहले मैं बनारस दिया था, जैसे कि आपने PDF में देखा था, ठीक है, आपको देखिए PDF दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैं बनारस का बोर्डिंग पॉइंट दिया था, लेकिन मेरे मन में थोड़ा डाउट हुआ, देखिए कानपुर सेंट्रल से बनारस जंक्शन से कलकत्ता, ठीक है, मेरे मन में थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि बनारस जंक्शन, ठीक है, मतलब एक स्टेशन बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, मेरे को फिर मन में ऐसा हुआ कि बनारस में और मुगल सराय, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय में क्या फ़र्क पड़ता है, तो चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक ही कर देते हैं। अरे ठीक, मतलब ट्रेन में तो हम बनारस से भी उठ सकते हैं, हम कानपुर सेंट्रल से भी उठ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को सीट सिर्फ मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से, ठीक है, तो इसीलिए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय डाल दिया कि बनारस से बाई चांस, मतलब कोई भी कारण अगर नहीं होता है तो मुगल सराय से तो मेरा टिकट कंफर्म होगा ही होगा, ना कोई सवाल नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा, अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपना ट्रेन सर्च नहीं कर पाते ठीक से, कौन सा बेटर होगा कौन सा नहीं फाइंड नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा, पक्का हेल्प करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों को जज करूँगा कि आप इस ट्रेन में बुकिंग करें, यहाँ से यहाँ तक बुकिंग करें। ये मेरा बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट है, मैं बहुत पहले से ऑलरेडी इसमें बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, और मैं इसमें अपना टिकट बुक करके कर करके एक्सपीरियंस मेरे को गेन हो चुका है, ठीक है, इसमें कैसे टिकट कंफर्म होता है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इसमें अभी आपको विनोद सिंह मतलब पैसेंजर्स का नाम, सॉरी, जैसे कि इसमें देखिए वेटिंग लिस्ट 27, 28, 29, 30 शो हो रहा है ना, अभी देखिए इसका चार्ट दिखाते हैं आपको, करेंट स्टेटस इसमें हम कर देते हैं, देखिए हमारा B2 में 33, 54, B2 में 39, देखिए RAC भी मिला है मेरे को, तो उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो सीट तो मिला ना कम से कम, वो भी एक दिन पहले, लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं। और बात देखिए, देखिए चार्ट नॉट प्रिपेयर, इसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी तक चार्ट नहीं लगा, लेकिन मेरे को सीट मिल गया है, मैं रेडी हो चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेटिंग टिकट बुक करते हैं और वेट करते हैं 4 घंटा पहले, आप टिकट कन्फर्म होगा, आप टिकट कन्फर्म होगा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जो लोग मतलब जिनका घर अपना स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर होता है, उनको आने में ही 4 घंटा लग जाता है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वो इस ट्रिक से टिकट बुकिंग करते हैं तो उनको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो एक दिन पहले ही श्योर हो जाएंगे कि हाँ मेरा टिकट तो कन्फर्म हो चुका है, बस हमको ट्रेन में ट्रेवल्स करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तत्काल टिकट के भरोसे बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं मैं तत्काल टिकट आज बुक कर लूँगा, कल बुक कर लूँगा, और वो ये भी सोचते हैं कि कोई एजेंट को पकड़ के 1500 एक्स्ट्रा दे के मैं टिकट कंफर्म करा लूँगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी तत्काल टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, IRCTC का सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, ठीक है, तो जो आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करोगे उससे ज़्यादा ही पे कर रहे हो, ठीक है, तो उससे अच्छा तो आप ये नॉर्मल टिकट बुक कर लोगे, इसमें 200-300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें 200-300 भी नहीं कम ही लगता है एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें आपको कम से कम कन्फर्म सीट तो मिल जाएगा, नॉर्मल वेटिंग लिस्ट तो कन्फर्म हो जाएगा, वो भी आपको जर्नी सफर करने से पहले ही आपका सीट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ट्रिक अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।